मीडिया बंधु में से भी एक बंधु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके ऊपर एक थ्रेट था और उस थ्रेट को बखूबी न्यूट्रलाइज किया गया। आज वो व्यक्ति जेल में चला गया और उनकी जान बच सकी। मीडिया बंधु में से भी एक बंधु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके ऊपर एक थ्रेट था और उस थ्रेट को बखूबी न्यूट्रलाइज किया गया। आज वो व्यक्ति जेल में चला गया और उनकी जान बच सकी। कविता है जो मैं अपराधियों के लिए कहना चाहूँगा कि तेरी दुआ है कि हो तेरी हर आरजू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी हर आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए। कविता है जो मैं अपराधियों के लिए कहना चाहूँगा कि तेरी दुआ है कि हो तेरी हर आरजू पूरी, तेरी दुआ है कि हो तेरी हर आरजू पूरी, मेरी दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए। मेरा यहाँ मानना रहा है कि जो पुलिसिंग के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हमारे पुलिसिंग में मिसिंग है, जो नहीं है, पहला तो ये होना चाहिए कि क्राइम होने ही नहीं दिया जाए। आप लोग अक्सर वही क्राइम देखते हैं जो क्राइम हो जाता है, इससे कई ज़्यादा क्राइम ऐसे होते हैं जिन्हें रोक दिया गया है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा इस जिले में कितनी हत्याएँ रुकी हैं, कितने लूट और डकैती रोके गए हैं, ये आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग और पुलिस को भी कभी इसके लिए वाहवाही नहीं मिलेगी। मीडिया बंधु में से भी एक बंधु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके ऊपर एक थ्रेट था और उस थ्रेट को बखूबी न्यूट्रलाइज किया गया। आज वो व्यक्ति जेल में चला गया और उनकी जान बच सकी। इसी तरह से यहाँ पे कई मॉल हैं जिनके लोग पैसे लेके जा रहे थे और लूट की घटना होने वाली थी। मैं कहूँगा कि एसडीपीओ साहब की सूझबूझ के कारण वो रखा जा सका है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हम लोग जनता के लिए हैं, जनता हमारे लिए नहीं है, तो जनता के सुख और दुख का ख्याल रखना हमारा काम है। और पुलिस का मोटो भी होना चाहिए कि सज्जन की रक्षा करें और दुर्जन का विनाश करें। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आप पुलिसकर्मी नहीं हैं, जनता को आपसे अपेक्षाएं हैं और उसमें आपको पूरा आना ही पड़ेगा, भले जनता आपको कुछ बोले या ना बोले। तीसरा है जन सहयोग। बिना लोगों के सहयोग के पुलिस नहीं चल सकती है, समाज के ही लोग हैं। और अनूठा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, चिराहट थाना हुआ, अमहरा ओपी हुआ, ये सब जन सहयोग से ही बनाया गया है। अगर जन सहयोग रहा तो बड़े से बड़े कार्य हो सकते हैं। मुझे जो जानकारी मिलती थी कि बालू यहाँ उत्खनन हो रहा है, यहाँ शराब बेचा जा रहा है या ये घटनाएं हो रही हैं, ये सब आम पब्लिक के बीच ही आता था। मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ पर मैं उनका आभारी हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करता हूँ। इसके बाद जो गुण होने चाहिए पुलिस में वो ये है कि वे द्वेष ना देखें, ना राग देखें, ना अनुराग देखें, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे वो आपके खिलाफ बोले चाहे आपके साथ खड़ा हो। आपका दायित्व है जो कानून कहता है वो आपको करना है। और पांचवा ये कहूँगा कि विधि व्यवस्था बनी रहे और क्राइम रुका रहे, यही आपकी सफलता है। पुलिस को भले ही लोग नमाजें नहीं कुछ भी कहे, अगर क्राइम रुक गया है और विधि व्यवस्था बनी हुई है तो आप सफल हैं। और आप अपने दिल से देख सकते हैं कि आप सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कहने की बहुत सारी बातें हैं पर अभी मुझे वाक्य याद आ रहा है कि हमें आदेश मिला था कि जिले के टॉप 10 अपराध कर्मियों का सूची बनाने के लिए, और जब बनाया गया तो आज के डेट में जो भी एक्टिव टॉप 10 क्रिमिनल हैं वो सब जेल में हैं। बालू एक समस्या है और इसमें रोजी रोटी का भी सवाल है लोगों का। कई लोग कहते हैं कि आप क्यों उनकी रोजी रोटी के पीछे पड़े हैं, मैं कहूँगा कि मुझे किसी की रोजी रोटी से नहीं है, जो कानून कहता है वो मुझे मानना है। मेरा ये अधिकार नहीं है कि कानून क्या बने क्या ना बने वो मैं कह सकूँ, पर अगर कानून बन गया है तो वो मुझे मानना है, मुझे इम्प्लीमेंट कराना है। वो बालू से समस्या ये है कि एक तो राजस्व की हानि